नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रैक विथ डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं स्किनर से संबंधित 45 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट स्किनर से संबंधित 45 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, व्यवहार संकेतों का प्रयोग किसके द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत में होता है? ये क्वेश्चन आपका KVS TGT 2017 के पेपर में आया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कोहलर, बी नंबर में है हल, सी नंबर में है थार्नडाइक और डी नंबर में है स्किनर। तो क्या होगा आंसर? डी नंबर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो फर्स्ट ऑप्शन है BN झा ने कहा था, बी नंबर में है स्किनर ने कहा था, या सी नंबर में है डेविस ने कहा था और डी नंबर में है वुडवर्थ। तो किसने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा स्किनर। नेक्स्ट है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चन आपका UPTET 2018 में आया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्किनर, बी नंबर में है हल, सी नंबर में है पेवलाव और डी नंबर में है थार्नडाइक। तो क्या होगा आंसर? हो जाएगा फर्स्ट, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक स्किनर की है, स्किनर ने ही ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आपका UPTET 2018 में आया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है शाब्दिक अधिगम के लिए, बी नंबर में है क्रिया प्रसूत, यहाँ क्रिया होना है क्रिया प्रसूत बॉक्स, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए, और सी नंबर में है चालक अधिगम के लिए, डी नंबर में है आकस्मिक अधिगम के लिए। क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा हमारा बी नंबर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत खाली स्थान द्वारा दिया गया था? ये क्वेश्चन भी आपका UPTET 2016 में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पेवलाव, बी नंबर में है थार्नडाइक, सी नंबर में है टॉलमैन और डी नंबर में है स्किनर। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा डी नंबर, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर ने अपना प्रयोग व सिद्धांत कब दिया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1935 में, 1936 में, 1937 में, 1938 में। तो क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा डी नंबर, 1938 में। तो 1938 में इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था और तभी इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहे के प्रयोग के लिए जिस समस्यावादी ध्वनि वही लीवर वाला बॉक्स को बनाया गया था, उस बॉक्स का क्या नाम था? तो फर्स्ट है पिंजरा था, बी नंबर में है स्किनर बॉक्स था, या सी नंबर में है चूहेदानी था और डी नंबर में है लकड़ी वाला बॉक्स था। तो चूहे को जिस बॉक्स में बिठाया गया था उस बॉक्स का नाम क्या था? तो नाम क्या था उसका? आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, उस बॉक्स का नाम था स्किनर बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है पावलाव, बी नंबर में है हल, सी नंबर में है स्किनर और डी नंबर में है कोहलर। तो क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा हमारा यहाँ सी नंबर, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है किसने कहा था?
तो फर्स्ट ऑप्शन है स्किनर ने कहा था, बी नंबर में वाटसन ने कहा था, सी नंबर में है क्रो एवं क्रो ने कहा था, और डी नंबर में है थार्नडाइक ने कहा था। तो किसने कहा था, प्रेरणा सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, तो ये कहा था स्किनर महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अधिगम का आधार क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अनुकूलन है, बी नंबर में पुरस्कार है, डी सी नंबर में दंड है, और डी नंबर में परिवर्तन है। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा फर्स्ट अनुकूलन है। तो क्रिया प्रसूत अधिगम का आधार यहाँ इन्होंने क्या बताया है, अनुकूलन को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर के अनुक्रिया व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है दो प्रकार के होते हैं अनुक्रिया व्यवहार, बी नंबर में है तीन प्रकार के होते हैं, और सी नंबर में है चार प्रकार के होते हैं, डी नंबर में है पांच प्रकार के होते हैं। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ फर्स्ट, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, प्रतिवादित, पहला व्यवहार इन्होंने बताया है प्रतिवादित व्यवहार, और दूसरा व्यवहार बताया है इन्होंने क्रिया प्रसूत व्यवहार। तो पहला बताया है प्रतिवादित व्यवहार और दूसरा बताया है इन्होंने क्रिया प्रसूत व्यवहार। नेक्स्ट है, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है तो कौन सा है। पहला है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रयत्न एवं भूल अधिगम है, बी नंबर में शास्त्रीय अनुबंधन है, सी नंबर में क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, और डी नंबर में अंतर्दृष्टि अधिगम है। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ सी नंबर। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना है, यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है पेस्टोलॉजी की है, बी नंबर में है जॉन डेवी की है, सी नंबर में है क्रो एवं क्रो की है, और डी नंबर में है स्किनर की है। तो किसकी यह परिभाषा है, ये परिभाषा जितनी भी आ रही है ये सारी आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा डी नंबर, स्किनर है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। बात करते हैं अब हम इस क्वेश्चन की, तो 14 क्वेश्चन है कि मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्ष का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो ये डेफिनेशन किसकी है आपको बताना है। तो फर्स्ट है ब्राउन का है, बी नंबर में है क्रो एवं क्रो का है, सी नंबर में है स्किनर की है, और डी नंबर में है गिलफोर्ड की है। तो किसने दी थी यह परिभाषा कि मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्ष का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो ये डेफिनेशन देने वाले थे स्किनर महोदय, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रो एवं क्रो का है, बी नंबर में है बार्सन का है, सी नंबर में है स्किनर, और डी नंबर है कोहलर। तो किसकी ये डेफिनेशन है, किसकी परिभाषा है, ये परिभाषा है स्किनर महोदय की। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि ये एकदम वेरी मोस्ट है। नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्न में से निहितार्थ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को पर्याप्त अभ्यास कराना चाहिए, बी नंबर में है
उचित व्यवहार पर पुनर्बलन दिया जाए। 80 नंबर में है प्रवृत्ति को रोचक बनाया जाए। और डी नंबर में है छात्र को बार बार प्रयत्न करने दें। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ बी नंबर, उचित व्यवहार पर पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के निम्न प्रकारों में से किसमें प्राणी एक पदों वाले प्रासंगिकता को सीखता है कि किसी उद्दीपक के प्रति कई अनुक्रिया के बाद एक पुनर्बलन दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रयास व त्रुटि, बी नंबर में है अंतर्दृष्टि अनुबंधन, सी नंबर में है प्रेरणात्मक अनुबंधन और डी नंबर में है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ डी नंबर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की केंद्रीय अवधारणा क्या है? तो फर्स्ट है प्रबलन है, बी नंबर में है क्रिया प्रसूत है, सी नंबर में है विभेदन है और डी नंबर में है विलोप है। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्रिया प्रसूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैपिंग प्रविधि या क्रमिक सन्निकटन की किसने दी थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है पावलोव ने दी थी ये विधि, बी नंबर में है स्किनर ने, सी नंबर में है थार्नडाइक और डी नंबर में है वाटसन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्किनर। तो ये सारे स्किनर के सिद्धांतों के उपनाम है, जो सैपिंग प्रविधि है और क्रमिक सन्निकटन जिसे कहते हैं, ये स्किनर के सिद्धांतों के उपनाम हैं। इनका मैंने आपको पूरा सिद्धांत पढ़ाया है। अगर अभी तक आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके इसके पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएफ स्किनर चूहे के अतिरिक्त किस पक्षी पर प्रयोग किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है सांप पर किया था, चूहे के अलावा फर्स्ट ऑप्शन है सांप पर किया था, बी नंबर में है कुत्ते पर किया था, सी नंबर में है बिल्ली पर किया था या डी नंबर में है कबूतर पर किया था। तो किस पर किया था? आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ डी नंबर, कबूतर पर किया था। तो चूहे पर इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किया था 1938 में, और कबूतर पर कब किया था? कबूतर पर किया था 1943 में। ये सिद्धांत की सारी डिटेल हम आपको पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो अगर आपको इसकी पूरी फुल डिटेल जानना है, इस सिद्धांत की पूरी फुल डिटेल जानना है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इस सिद्धांत के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। सिद्धांत का मूल किससे लिया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है थार्नडाइक के SR थ्योरी से लिया गया था, बी नंबर में है कोहलर के सिद्धांत से लिया गया था, सी नंबर में है स्किनर के सिद्धांत से और डी नंबर में है पावलोव के सिद्धांत से। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फर्स्ट, थार्नडाइक के SR थ्योरी से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैमित्तिक अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फर्स्ट है प्राचीन अनुबंधन, बी नंबर में है सूक्ष्म अनुबंधन, सी नंबर में है क्रिया प्रसूत अनुबंधन और डी नंबर में है स्वतः अधिगम। तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है? तो फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरण में प्रशिक्षण, बी नंबर में है अंतरजातीय योग्यताएं, सी नंबर में है अनुकरण एवं पुनर्बलन और डी नंबर में है परिपक्वता। तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अनुकरण एवं पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अभिक्रमित अनुदेशन किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कोहलर का सिद्धांत पर, बी नंबर में है थर्नडाइक का सिद्धांत, सी नंबर में है स्किनर का सिद्धांत और डी नंबर में है पावलोव का सिद्धांत। तो किस सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो आधारित है? तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ सी नंबर, स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है और यह सिद्धांत कब दिए गए थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्किनर 1952, बी नंबर में है प्याजे 1956, सी नंबर में है थर्नडाइक 1950 और डी नंबर में है कोहलर 1954। तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा स्किनर 1952। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत 1952 में दिया था स्किनर ने, जबकि जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है वो इन्होंने 1938 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे शिक्षा जगत में पुनर्वलन को किसने जन्म दिया? तो फर्स्ट ऑप्शन है पावलोव ने, बी नंबर में स्किनर ने, सी नंबर में वाटसन ने, यहाँ वाटसन होगा, और डी नंबर में है प्याजे। तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ बी नंबर स्किनर। नेक्स्ट है बी एफ स्किनर किस पर ज़्यादा जोर देते थे? तो फर्स्ट है उद्दीपक पर, बी नंबर में है अनुक्रिया पर, सी नंबर में है व्यवहार पर और डी नंबर में है अधिगम पर। तो किस पर जोर देते थे बी एफ स्किनर? आंसर हो जाएगा अनुक्रिया पर। इनका कहना था कि व्यक्ति अगर जब कोई अनुक्रिया करेगा, कोई कार्य करेगा, तभी उसके सामने उद्दीपक प्रकट होगा, तो इन्होंने अनुक्रिया पर ज़्यादा जोर दिया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ बी नंबर अनुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रमित अधिगम के संप्रत्यय निर्माण में निम्न में से किस विचारक का योगदान है? तो फर्स्ट ऑप्शन है थर्नडाइक का प्रभाव का नियम, बी नंबर में है स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का नियम, सी नंबर में है वाटसन का अधिगम सिद्धांत और डी नंबर में है प्याजे का सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी नंबर स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किनर ने अपने सिद्धांत में वर्णन नहीं किया है, तो किसका वर्णन नहीं किया है? ऐच्छिक अनुक्रिया का, बी नंबर में है पुनर्वलन अनुसूची का, सी नंबर में है अंतर्दृष्टि का और डी नंबर में है व्यवहार का। तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ सी नंबर अंतर्दृष्टि का इन्होंने वर्णन नहीं किया है, जबकि ऐच्छिक अनुक्रिया का वर्णन भी किया है। इन्होंने बताया कि व्यक्ति अपनी इच्छा से ही कोई कार्य करता है, कोई भी अनुक्रिया करता है तो अपनी इच्छा से करता है। पुनर्वलन अनुसूची भी बताई है कि जब व्यक्ति कार्य करता है और उसके उस कार्य में उसे सफलता मिल जाती है तो मतलब वो क्या होता है पुनर्वलन होता है। जैसे कि चूहे को जब भोजन मिल गया था तो भोजन क्या था चूहे के लिए पुनर्वलन था। तो इसीलिए इन्होंने ऐच्छिक अनुक्रिया की भी बात की है, पुनर्वलन अनुसूची की भी बात की है और व्यवहार की भी बात की है। इनका मानना था कि व्यक्ति जो है यहाँ दो प्रकार से व्यवहार करता है, एक तो पॉजिटिव व्यवहार होता है सकारात्मक व्यवहार होता है, दूसरा होता है नकारात्मक व्यवहार। तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर अंतर्दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन में, तो फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहार उद्दीपक के प्रति अनिवार्य होता है, बी नंबर में है ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों पर आधारित होता है, सी नंबर में है व्यवहार पर आधारित होता है और डी नंबर में है स्वतः होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ बी नंबर ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किनर ने किस प्रकार के अनुबंधन पर बल दिया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है
टाइप एस पर बल दिया है, बी नंबर में है टाइप आर पर बल दिया है, सी नंबर में है टाइप एस आर पर बल दिया है और डी नंबर में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा बी नंबर, टाइप आर पर इन्होंने बल दिया था। दोनों ही प्रकार के टाइप बताए थे, एस भी बताया था और आर भी बताया था, लेकिन इन्होंने जो ज़्यादा बल दिया है वो दिया है आर पर, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोफेसर बी एफ स्किनर के नियमों के आधार पर एक परीक्षण का निर्माण कर रहा है, संप्रत्यय जो कि इस परीक्षण में केंद्र पर होगा वह है क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सूझबूझ है, बी नंबर में अस्तित्व का कारण है, सी नंबर में है अनुकरण और डी नंबर में है पुनर्वलन अनुसूचियां। तो क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा हमारा यहाँ डी नंबर, पुनर्वलन अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 के एक छात्र ने यह आदत बना ली है कि उसे पुरस्कार प्राप्ति हेतु पढ़ाना है, यह उदाहरण निम्न में से संबंधित है, किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है क्रिया प्रसूत सिद्धांत से है, बी नंबर में है उत्तेजना अनुक्रिया से है, सी नंबर में है प्रतिक्रिया उत्तेजना सिद्धांत से है और डी नंबर में है एसआर सिद्धांत से है। तो क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा फर्स्ट, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्राउन का है, बी नंबर में है क्रो एवं क्रो का है, सी नंबर में है स्किनर का है और डी नंबर में है गिलफोर्ड का है। क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा सी नंबर, स्किनर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमित अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है, इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं, बी नंबर में है सामग्री बहुत रोचक होती है, सी नंबर में है सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और डी नंबर में है सामग्री बहुत आकर्षित होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप क्वेश्चन को दोबारा ज़रूर पढ़ें। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नैमित्तिक अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन किया तो किसने किया है? स्किनर ने किया है, सिगमंड फ्रायड ने किया है, वाटसन ने किया है या गिलफोर्ड ने किया है? गिलफोर्ड ने किया है। तो किसने किया है नैमित्तिक अनुबंधन का अध्ययन? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फर्स्ट, स्किनर को एक पुरस्कार भी मिला था, तो वो भी आपको याद रखना है। इन्हें जो पुरस्कार मिला था वो है नेशनल मेडल ऑफ साइंस। तो ये पुरस्कार आपको याद रखना है, ये मिला था स्किनर महोदय जी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट है अधिगम के निम्न सिद्धांतों में किसमें प्रतिक्रिया होने पर पुनर्वलन देने का सुझाव दिया गया है? तो फर्स्ट है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का, दूसरा है बी नंबर में सूचक सिद्धांत, सी नंबर में है चालक न्यूनता का सिद्धांत और डी नंबर में है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा डी नंबर, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड अथवा पुरस्कार के समावेशन द्वारा नवीन व्यवहार के विकास तथा अनुक्रिया की प्रायिकता में वृद्धि होने को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहार को आकार देना, बी नंबर में है क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा जाता है और
सी नंबर में है शास्त्रीय अनुबंधन कहा जाता है और डी नंबर में है संवेगात्मक अनुबंधन कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ बी नंबर क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर द्वारा निर्देशन की अवधारणा निम्न में से किसने विकसित की है। तो फर्स्ट है थार्नडाइक ने की है, बी नंबर में है कोहलन ने की है, सी नंबर में है वाटसन ने की है और डी नंबर में है इस्किनर ने की है। तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ डी नंबर इस्किनर। नेक्स्ट है सीखने का कौन सा सिद्धांत पूर्णतः स्पष्ट व्यवहार पर निर्भर है। ये क्वेश्चन आपका DSSBPRT 2017 में पूछा गया है। तो फर्स्ट है व्यवहारवादी, बी नंबर में है संज्ञानात्मकवादी और सी नंबर में है विकासात्मक, डी नंबर में है संरचनावादी। तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ फर्स्ट व्यवहारवादी व्यवहारवादी। नेक्स्ट है बच्चे अपने माता पिता के सुदृढ़ीकरण की प्रतिक्रिया में उपयुक्त आवाजें और शब्द सीखते हैं जिसके द्वारा भाषा के विकास के सिद्धांत का सुझाव दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका DSSBPRT 2014 में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहारवादी, बी नंबर में है इनतिस्त, सी नंबर में है संज्ञानात्मक और डी नंबर में है प्रासंगिक। तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा फर्स्ट व्यवहारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भी भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका UPTET 2016 में पूछा गया है। तो फर्स्ट है वाटसन, बी नंबर में है स्किनर, सी नंबर में है गुथरी और डी नंबर में है थार्नडाइक। तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी नंबर स्किनर। नेक्स्ट है व्यवहार संकेतों का प्रयोग किसके द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत में होता है। ये क्वेश्चन आपका KBS-TGT 2017 में पूछा गया है। तो फर्स्ट है कोहलर, बी नंबर में है हल, सी नंबर में है थार्नडाइक और डी नंबर में है स्किनर। तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा डी नंबर स्किनर। नेक्स्ट है आदमी की पुनर्वलन और दंड की समझ उससे पृथक है जो खाली स्थान में प्रयुक्त होती है। ये क्वेश्चन आपका MPTET 2019 में पूछा गया है। तो फर्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग, बी नंबर में है संकेत अधिगम मतलब साइन लर्निंग, सी नंबर में है अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन मतलब क्लासिकल अनुबंधन और डी नंबर में है सामाजिक अनुबंधन मतलब सोशल लर्निंग। तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ हो जाएगा फर्स्ट क्रिया प्रसूत अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस सिद्धांतकार का चयन करें जिसका सिद्धांत शिक्षण संगठन और योजना अधिगम प्रणाली के संबंध में बताता है। ये क्वेश्चन आपका MPTET 2019 में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है W कोहलर, बी नंबर में है BF स्किनर, सी नंबर में है पावलाव और डी नंबर में है एरिक्सन। तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ बी नंबर BF। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किनर ने वकालत की कि सीखने की संभावना तब अधिक होती है जब। ये क्वेश्चन आपका MPTET 2019 में पूछा गया है। तो फर्स्ट है सार्वजनिक घटनाओं व अवलोकनीय व्यवहार की व्याख्या करना, बी नंबर में है एक व्यवहार का अवलोकन प्रतिदर्श द्वारा किया जाता है, सी नंबर में है व्यवहार उत्तेजना के लिए एक प्रतिसाद प्रतिक्रिया बन जाता है
और डी नंबर में है व्यवहार को एक इनाम या सजा के साथ प्रबलित किया जाता है तो क्या हो जाएगा? यहाँ आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, व्यवहार को एक इनाम या सजा के साथ प्रबलित किया जाता है। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।